Bismillahir Rahmanir Rahim. 5 of our square root x plus square root x is equal to 128. इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सबसे पहले गिवन इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे, 5 ऑफ आवर स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स इज इक्वल टू 128. फिर क्या करेंगे, लेट ले लेंगे स्क्वेयर रूट एक्स को किसके बराबर, ए के बराबर. तो यहाँ जाएगा 5 ऑफ आवर ए प्लस ए इज इक्वल टू 128. फिर क्या करेंगे, इनको इस साइड पर लाएंगे, प्लस ए नहीं है तो यहाँ जाएगा 5 ऑफ आवर ए इज इक्वल टू 128 माइनस ए. फिर क्या करेंगे, इनको इधर लिख देंगे, 128 माइनस ए इज इक्वल टू 5 ऑफ आवर ए. फिर दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, किसको किस पर, 5 ऑफ आवर ए पर, इनको भी और इनको भी 5 ऑफ आवर ए पर डिवाइड करेंगे. ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 1. और यहाँ क्या करेंगे, इनके लिए एक रूल को अप्लाई करेंगे, वो है ए डिनोमिनेटर में बी पावर एन, वो बराबर होता है ए बी पावर माइनस एन के. तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 128 माइनस ए 5 पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1. फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, किसको, 5 पावर 128 को, इनको अपनी जगह लिख देंगे, यहाँ भी लिख देंगे 5 पावर 128 को, इधर भी लिख देंगे 5 पावर 128. फिर क्या करेंगे, हम एक रूल को जानते हैं, वो रूल क्या है, ए पावर एन ए पावर माइनस एन मल्टीप्लाई ए पावर एम, और बराबर होता है ए पावर एम माइनस एन के. तो यहाँ इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 128 माइनस ए, इनको लिख देंगे 5 पावर 128 माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 5 पावर 128. फिर क्या करेंगे, हम एक रूल को जानते हो, है ई पावर एल एन ए, वो बराबर होता है ए के और ई पावर एल एन फाइव, वो बराबर होता है पाइप के. तो यहाँ इनको भी इस तरह करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 128 माइनस ए, इनको लिख देंगे ई पावर एल एन फाइव होल पावर 128 माइनस ए इज इक्वल टू 5 पावर 128. फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 128 माइनस ए, इनको लिख देंगे ई पावर 128 माइनस ए एल एन फाइव इज इक्वल टू 5 पावर 128. फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ लिख देंगे, किसको, एल एन फाइव को, इधर भी लिख देंगे, इनको तो अपनी जगह लिख देंगे, वो ई पावर 128 माइनस ए एल एन फाइव इज इक्वल टू एल एन फाइव मल्टीप्लाई पाई ऑफ आवर 128. फिर क्या करेंगे, दोनों साइड के साथ डब्ल्यू फंक्शन लिख देंगे, इधर भी लिख देंगे डब्ल्यू को 128 माइनस ए एल एन फाइव ई पावर 128 माइनस ए एल एन फाइव
is equal to W ln 5, यहाँ इनको लिख देंगे 5 over 3 plus 125 128 को हमने इस तरह लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम एक रूल को जानते हैं, वो रूल क्या है, W फंक्शन के मुताबिक a e पावर a इज इक्वल टू a, यानी इधर जो वीडियो होगी अगर e के पावर में होगी तो उनसे ये आएगा, तो इधर देख, इधर देख, ये और पावर में ये सेम है ना e के पावर में, तो यहाँ इस रूल के मुताबिक आ जाएगा, W रूल के मुताबिक 128 माइनस a ln 5 इज इक्वल टू यहाँ ln 5, यहाँ क्या करेंगे, हम एक रूल के जानते हैं, a पावर m प्लस n इज इक्वल टू a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n की, तो इनको भी इस तरह करेंगे, यहाँ जाएगा 5 over 3 मल्टीप्लाई 5 over 125। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 128 माइनस a ln 5 को अपनी जगह, यहाँ W 5 over 3 125 के बराबर होता है, इनको यहाँ लिख देंगे ln 5 5 over 125। फिर क्या करेंगे, हम वो रूल को जानते हो जो पहला इससे पहले हमने यूज़ किया था, e पावर ln a इज इक्वल टू a, इसी तरह तो यहाँ e पावर ln 5 वो बराबर होता है 5 के, तो यहाँ भी इस रूल को अप्लाई करेंगे 128 माइनस a ln 5 w 125 ln 5, यहाँ रूल के मुताबिक आ जाएगा e पावर ln 5 होल पावर 125। फिर क्या करेंगे, इनको अपनी जगह लिख देंगे 128 माइनस a ln 5 इज इक्वल टू W 125 ln 5, यहाँ इनको लिख देंगे e पावर ln 5 यहाँ 125। फिर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 128 माइनस a ln 5, इनको अपनी जगह, यहाँ W 125 ln 5, इनको लिख देंगे e पावर 125 ln 5। फिर क्या करेंगे, यहाँ भी वो W फंक्शन को यूज़ करेंगे, W ब्रैकेट में a पावर e पावर a इज इक्वल टू a के बराबर, इधर देख इस रूल के मुताबिक ये और ये सेम है, तो यहाँ जाएगा इस रूल के मुताबिक 128 माइनस a ln 5 इज इक्वल टू 125 ln 5। फिर दोनों साइड को ln 5 पर डिवाइड करेंगे, इसको भी ln 5 पर डिवाइड करेंगे और इसको भी ln 5 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा 128 माइनस a इज इक्वल टू 125। फिर क्या करेंगे, a को इस साइड पर लाएंगे और इनका इस साइड पर, तो यहाँ लिख देंगे a इज इक्वल टू 128 माइनस 125, तो यहाँ a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। फिर क्या करेंगे, रिकॉल
کہو کہ اے کو ہم نے کس کے برابر لیا تھا، اے کو ہم نے کس کے برابر لیا تھا، اسکوائر روٹ ایکس کے برابر از اکول ٹو تھری، پھر ٹیکنگ اسکوائر آن بوتھ سائڈ، دونوں طرف اسکوائر لے لیں گے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، یہاں یہ اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا، یہاں جائے گا ایکس از اکول ٹو تھری پاور ٹو، اس کے بعد تھری پاور ٹو کس کے برابر ہوتا ہے، تو تھری پاور ٹو نائن کے، تو ایکس کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی نائن۔ اب کیا کریں گے، چیک کریں گے یہ جو ویلیو ہم نے فائنڈ کی ہے یہ کریکٹ یا رونگ، ٹو چیک کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم گیون ایکویشن کو یہاں لکھ دیں گے، وہ کیا ہے، فائیو پاور اسکوائر روٹ ایکس پلس ایکس اسکوائر روٹ ایکس از اکول ٹو 128، تو یہاں ایکس کی جگہ کس کو پٹ کریں گے، ادھر ادھر نائن، تو یہاں جائے گا فائیو پاور اسکوائر روٹ نائن پلس اسکوائر روٹ نائن از اکول ٹو 128، تو یہاں جائے گا فائیو پاور تھری، ان سے بھی تھری از اکول ٹو 128، تو یہاں ان سے آ جائے گا فائیو پاور تھری سے 125 پلس تھری 128، ان سے 128 از اکول ٹو 128، ایکس کی ویلیو کریکٹ ہے۔